हेलो फ्रेंड्स, आज हम विजन आईएएस के एनवायरनमेंट सेक्शन वाले जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज हैं उनको कवर करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और इसे रिवाइज करने के बाद डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल होगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं और मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने के बाद या रिवाइज करने के बाद आपको कोई अन्य सोर्स ढूंढने की जरूरत हो। द बेसिक फैक्ट इन दिस बुकलेट सीरीज इज दैट मोस्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स कैन बी कवर्ड स्पेसिफिकली फॉर एनवायरमेंट सेक्शन इन दिस बुकलेट इटसेल्फ। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ। आप देख सकते हो द टॉपिक नंबर वन हमारा होगा इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट होंगे, इनको क्लियर करने ही होंगे बिकॉज एनवायरनमेंट में ये आपके काफी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं। अलोंग विद वी विल बी हैविंग अबाउट नॉलेज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड एनवायरमेंटल एंड लॉज एंड पॉलिसी, इंडियन विल लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, कंजर्वेशन मेजर्स, एनवायरमेंट कन्वेंशंस, ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNFCCC, इन सब के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। So without delaying, let's move to our first topic in ecology, ecosystem and functions of ecosystem. So hum basic definitions ki baat karte hain. Environment means what? Environment simply agar keh sakte hain to koi landscape hua. Landscape yani ki let's say you go out and you roam around your region, that can be also environment. So natural landscape together with all of its non-human features, characteristics and processes, तो इसे आप environment कहते हो। Ecology क्या हुआ? Ecology आप simply study कहते हो। किस चीज़ की study? Which studies the interactions among the organisms? और जब हम बात करते हैं among the organisms, ये याद रखना है कि let's say कि A organism है, B organism है, A और B के बीच interaction तो हो ही रही है, जबकि ये जो B है वो different species हो सकती है। लेट्स से वन प्लांट स्पीसीज हो सकती हैं, वन एनिमल स्पीसीज हो सकती हैं, तो इन दोनों के बीच तो इंट्रैक्शन हो ही रहा है। एलोंग विथ सेम एनिमल किंगडम एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती हैं, तो ये आपका बेसिकली इकोलॉजी होता है जब हम इन इंट्रैक्शंस को समझते हैं। तो जब भी इकोलॉजी की बात आएगी आपको हमेशा याद रखना है इंट्रैक्शंस एमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एलोंग विथ इट्स फिजिकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट आपको भी समझ में आने चाहिए, जैसे लैंड हो गई या फिर एयर हो गई, सनलाइट हो गई, ये सब आपके एबायोटिक इन्वायरमेंट में आती हैं। जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर सिंपली आप नेम से ही समझ सकते हो द स्फीयर और द रीजन वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ सपोर्टिंग रीजन्स ऑन द एंटायर अर्थ, उसको आप बायोस्फीयर कह सकते हो। तो किसके किसके बीच ये जो बायोस्फीयर का इंटरेक्शन है वो जरूरी होता है सो दैट ये लाइफ सपोर्टिंग हो। तो जाहिर सी बात है एनी ऑर्गेनिज्म और प्लांट दे नीड लिथोस्फीयर, दे नीड हाइड्रोस्फीयर, दे नीड एटमोस्फीयर, एंड इन तीनों का जो आपका समागम है इसको बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। तो बायोस्फीयर इज द जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर इंटरैक्ट, इट इज नोन एज बायोस्फीयर। हैबिटेट सिंपल सा मतलब हुआ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट होम। हैबिटेट मीट्स ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सर्वाइव। और याद रखना है कि ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट्स बट ऑल एनवायरमेंट्स आर नॉट हैबिटेट। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर लिविंग फीचर्स मौजूद ही होंगे। देयर कैन बी ए सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जहाँ पर
या जिस एनवायरनमेंट में आपका लिविंग स्पीसीज अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन जहां हैबिटेट होगा वहां पर एनवायरनमेंट होना ही है। सो ये हमने बेसिक डिफिनेशंस की बात कर ली, इसमें आपको याद यही रखना है ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट्स बट ऑल एनवायरनमेंट्स आर नॉट हैबिटेट। उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा ही है, इट इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट, तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो आपका कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, इसमें आपके प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, और फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमने बताया कि बेसिकली एयर वाटर सनलाइट न्यूट्रिशन ये सब आपके फिजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में आते हैं, लेकिन हाँ दोनों का इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल सनलाइट का इंटरेक्शन होता है टू मेक द फूड, न्यूट्रिएंट्स जो है सोयल से लिए जाते हैं टू ग्रो, तो ये सब जो इंटरेक्शन है इसको आप कहते हो इकोसिस्टम, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन देम होते रहते हैं। और इकोटोन की बात हमने की, इकोटोन क्या हुआ, इकोटोन हमेशा याद रखना ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जहाँ पर दो कम्युनिटीज एक दूसरे से मीट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो इकोटोन सिंपली अगर बात कही जाए तो लेट से एक एग्जांपल के तौर पर कि जो हमारा मैंग्रोव्स रीजन है, मैंग्रोव्स रीजन को आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं इट इज़ बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड जोन, है ना। तो लो टाइड और हाई टाइड जोन, और लो टाइड और हाई टाइड जोन के बीच जो आपका इंटरमीडिएट जोन क्रिएट होता है या इंटरमीडिएट ट्रांजिशन एरिया या इंटरमीडिएट इकोसिस्टम कह सकते हो बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैसे एक तरफ आपका प्योरली लैंड या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया और दूसरी तरफ आपका इंटायर प्योर मेराइन इकोसिस्टम हो गया, दोनों के बीच के जो आपके जोन बन रहे हैं वो आपका इकोटोन कहलाता है। तो मैंग्रोव्स, मैंने बोला कि मैंग्रोव्स रिप्रेजेंट्स एन इकोसिस्टम बिटवीन मेराइन एंड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। निश की बात करते हैं, निश क्या होता है, तो निश का सिंपली मतलब हो ये इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इट मींस द पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज, है ना, पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम। और सिंपली इसको हम कहें ये जो निश होती है इसका एक सिंपल सा मतलब है द रोल ऑफ द पार्टिकुलर इंडिविजुअल इन एन इकोसिस्टम फॉर देयर सर्वाइवल, इसको हम निश कहते हैं ना। तो डिस्क्राइबिंग बोथ द रेंज ऑफ कंडीशंस नेसेसरी फॉर द परसिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज एंड इट्स इकोलॉजिकल रोल इन द इकोसिस्टम, है ना। और इकोलॉजिकल निश सब्ज्यूम्स ऑल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज एंड बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। एंड मैंने बोला इट इज़ ए वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल इकोलॉजिकल कंसेप्ट, सिंपल सी भाषा में यही है इकोलॉजिकल नीस इज द रोल एन इंडिविजुअल ऑफ एन इकोसिस्टम प्ले फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है और ट्री में जो आपके बर्ड रह रहे हैं और जो बर्ड बेसिकली रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प टू ग्रो दे हेल्प टू मेंटेन द इकोसिस्टम, तो ये सब जो है आपके नीश के कैटेगरी में आते हैं। सिंपली आपको याद रखना है द रोल प्लेड बाय एन इंडिविजुअल स्पीसीज फॉर देयर सर्वाइवेबिलिटी इज कॉल्ड नीश। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश, है ना, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट रोल होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दो स्पीसीज होंगे उनके आइडेंटिकल नीश नहीं होंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश आर हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश, फिजिकल एंड केमिकल नीश। तो ये आपको बेसिकली याद रखने हैं, नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश, ये तो लॉजिकल भी है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश आर हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश एंड फिजिकल एंड केमिकल नीश। बायोम की बात करते हैं, तो बायोम क्या हुआ, बायोम सिंपली इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स, उन प्लांट्स और एनिमल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं हु हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट दे एग्जिस्टिंग। लेट्स से कि
आपके इवरग्रीन बायोम, लेट से वी कैन से, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो प्लांट्स के लिए भी सिमिलर है, और जो एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं वहाँ उन एनिमल्स के लिए भी आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि दैट रीजन इज अ बायोम ऑफ इवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वही बात है, आपको याद रखना है बायोम रिप्रेजेंट्स कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है आपको, फॉर द एनवायरमेंट दे एग्जिस्ट इन एंड दे कैन बी फाउंड इन एन रेंज ऑफ दी कंटिनेंट्स। बायोम्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज दैट हैव फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू शेयर्ड फिजिकल क्लाइमेट। और याद रखना है ये जो आपका बायोम है वो ब्रोडल टर्म हैबिटेट से, एंड ए बायोम कैन कम्प्राइज वेराइटी ऑफ हैबिटेट। और वेल डेवलप्ड इकोटोन्स कंटेन सम ऑर्गेनिज्म विच आर इंटायरली डिफरेंट। यस, वाई इंटायरली डिफरेंट? बिकॉज ये जो है ट्रांजिशन जोन है, और कहीं ना कहीं ये जो आपका कंप्लीटली मेराइन नहीं थे या कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं थे, या फिर दो इकोसिस्टम का जो मिक्सचर है वो इकोटोन में देखने को मिलता है। दैट्स वाई यहाँ जो स्पीसीज आपको मिलते हैं, नॉट ऑल बट सम ऑफ द स्पीसीज विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ज्वाइनिंग कम्युनिटी। एंड वेन नंबर ऑफ अ स्पीसीज इज मच ग्रेटर देन आदर कम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज इफेक्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो डेंसिटी है बर्ड्स की इज ग्रेटर इन द मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट, है ना। तो डेजर्ट में आपको बेसिकली बर्ड्स जो है उनकी संख्या आपको उतनी नहीं मिलेगी, और आप फॉरेस्ट में जाए तो फॉरेस्ट में भी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको इकोटोन में मिलेगा, क्योंकि इकोटोन में आपको ये डेजर्ट वाले बर्ड्स स्पीसीज मिल जाएंगे और कुछ जो है आपको फॉरेस्ट वाले भी मिल जाएंगे, और कुछ जो है यूनिकली डेवलप्ड बर्ड्स वो भी मिल सकते हैं। इसलिए याद रखना है आपको कि वन नंबर ऑफ स्पीसीज इज मच ग्रेटर देन आदर कम्युनिटी, यहाँ पर बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज इज मच ग्रेटर देन आदर कम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। तो नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी, यानी कि स्पीसीज पर यूनिट एरिया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। तो जब हम बात करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, तो इसमें आपका जाहिर सी बात है एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में या एबायोटिक फैक्टर में क्या हो सकते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकते हैं और एडाफिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके रेन हो गए, लाइट हो गए, विंड हो गए, टेम्परेचर हो गए। एडियाफिक फैक्टर्स में आपके सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टॉपोग्राफी, ये सब आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट, तो आपको ही पता है देर कैन बी प्रोड्यूसर्स, देर कैन बी कंज्यूमर्स, देर कैन बी डिकम्पोजर्स। और हम थोड़ा सा बेसिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के डिटेल के बारे में जानने का प्रयास करें। एबायोटिक फैक्टर्स की या एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो जाहिर सी बात आपको याद रखनी है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम विच शेप्स इट्स इन्वायरमेंट। और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप एग्जांपल्स ले सकते हो एबायोटिक कंपोनेंट्स के, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड मेनी थिंग, इवन सॉइल, इवन न्यूट्रिशन, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। मेराइन इकोसिस्टम में आप ले सकते हो सैलिनिटी, ओशियन करेंट्स, ये सब कुछ बातें हैं। और अब हम थोड़े से बेसिक के बारे में जानते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रू इट्स बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा आपको याद रखना है कि टेम्परेचर डू रेगुलेट, डू कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये याद रखना है कि बेस्ड ऑन टेम्परेचर अब कोई स्पीसीज ऐसे हो सकते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि लेट से दे कैन टॉलरेट 10 डिग्री C टू 25 डिग्री C, वन कैन टॉलरेट 10 डिग्री C टू 50 डिग्री C, वन कैन टॉलरेट 0 डिग्री C टू 100 डिग्री C। तो ये जो आपका टेम्परेचर रेंज देख रहे हो, है ना, तो कुछ स्पीसीज हायर टेम्परेचर रेंज को भी टॉलरेट करते हैं, कुछ जो है नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से टू टाइप ऑफ स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म, वन इज यूरोथर्मल। और जब हम बात करते हैं यूरोथर्मल की, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये याद रखना है। और दूसरी तरफ जब हम स्टेनोथर्मल की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इनका ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा बिकॉज दे आर
non tolerable when there is rise in or fall in temperature which crosses its threshold. तो अब बात करते हैं वाटर की. तो वाटर में भी आपका इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्लांट या स्पीसीज के ग्रोथ या डेवलपमेंट में. तो आप देख सकते हो जो प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स की वो वाटर के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है. अब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यूरोहेलाइन और स्टेनोहेलाइन. हेलाइन का मतलब सेलिनिटी होता है ना. तो यूरोहेलाइन का मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, है ना. तो ओशियन में आपको भी पता है कि सैलिनिटी काफी ज्यादा होती है. कुछ ओशियंस में सैलिनिटी की जो वैल्यू होती है कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है. तो आप समझ सकते हो ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो उसको हम यूरोहेलाइन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जो सैलिनिटी मेजर किए जाते हैं वो 5 per 1000 में. स्टेनोहेलाइन वही हो गया, ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. और वही बात हो गई, जैसे देख सकते हो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा. व्हाई? ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम. सिंपली कहो तो स्टेनोहेलाइन के कैटेगरी में आ जाते हैं. और अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट प्लांट्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट देम प्लांट कैन नॉट डू देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड इफ दे डोंट डू दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, ये तो आपको ही पता है. एनिमल्स के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, तो एनिमल्स के लिए डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन डिटरमाइंस एनिमल्स फॉर एजिंग, है ना. ये भी होते हैं एनिमल्स में कैसे रोल निभाते लाइट. तो लाइट कैन डिटरमाइन, या फिर यू कह सकते हो कि व्हाट डू मीन बाय, तो सीजनल वेरिएशन होता है लाइट का. देयर कैन बी जैसे आप समझ सकते हो ये जो आपके हायर लैटिट्यूड्स होते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में जो लाइट होती है वो कम हो जाती है विंटर में, और फिर समर में वहाँ पे लाइट होता है. तो ऐसे में उनकी रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज कंट्रोल होती है. यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम हार्मफुल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए. और ये भी पता है नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम मेराइन प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन. जैसे रेड ग्रीन ब्लू एल्गी इनहिबिट सी एट डिफरेंट डेप्थ. इट इज ऑल बिकॉज लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. नाउ वी हैव सॉइल. तो सॉइल सिंपली अगर कहें तो कोई भी रीजन है, कोई भी एरिया है, वहाँ का वेजिटेशन डिटरमाइन किए जा सकते हैं. सॉइल कंपोजिशन कैसा है, परकोलेशन की क्या कैपेबिलिटी है, ग्रेन साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये सब आपको सॉइल कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है. और एग्रीगेशन ऑफ सॉइल आर डिटरमाइंड बाय पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी. अब आते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर्स का तो हमने चर्चा कर किया, लाइट या फिर आपके हो सकते हैं सॉइल हो गए, या फिर आपके वाटर हो गए, या फिर टेम्परेचर हो गए. इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, लेट से कि टेम्परेचर बढ़ गई, या फिर टेम्परेचर कूल डाउन हो गई, या फिर सॉइल की एसिडिटी, या फिर पीएच, या फिर मिनरल कंपोजिशन, इन सब में कुछ परिवर्तन आ रहा है, या फिर लाइट के इंटेंसिटी में कुछ परिवर्तन आ रहा है. तो इसमें परिवर्तन होने के कारण ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं. तो अब बात करते हैं कि कभी कभी हमने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस. तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अपने आप को बचाने के लिए या फिर उससे निजात पाने के लिए क्या क्या वो प्रक्रिया अपनाते हैं. तो यहाँ सबसे पहली बात आते हैं रेगुलेट. रेगुलेट का अगर हम बात करें तो होम्योस्टेटिस एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाता है. होम्योस्टेटिस का सिंपल सा मतलब होते हैं, होम्यो मतलब क्या हुआ, सिमिलर, स्टेटिस यानी कि मेंटेनिंग, है ना. तो इसका मतलब है मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल बॉडी बाय फिजियोलॉजिकल, कभी कभी बिहेवियरल भी होते हैं, है ना. तो वही बात होगी होम्योस्टेटिस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना होम्योस्टेटिस यानी कि मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल बॉडी. यानी कि लेट्स से कि इंसान के ही शरीर को देख लो, जब ठंड होती है तो ठंड में जो शरीर है तो है वो शिवर करते हैं. वाई शिवर? बिकॉज टू रिलीज हीट, टू जनरेट हीट सो दैट गर्मी लगे शरीर में, गर्मी आए. दिस इज द प्रोसेस
not only human but plants, animals do occupy. तो इसको हम होमियोस्टेटिस कहते हैं ना, और दे ट्राइज टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल बॉडी, टेम्परेचर कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक इन श्योरिंग है ना, तो कैसे ये मेंटेन करते हैं अपने कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल बॉडी को, तो ये कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने का प्रयास करते हैं। तो जब ये कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने का प्रयास करते हैं टू ओवरकम द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस और स्ट्रेसफुल कंडीशंस, तो उसको हम थर्मोरेगुलेशन का नाम देते हैं, है ना। जैसे समर आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वीट, है ना। इन विंटर वी शिवर विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेज बॉडी टेम्परेचर, तो ये सब क्या है, थर्मल रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, यानी कि ऑटोमेटिकली आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर टेम्परेचर और सिंपली का इंटरनल टेम्परेचर बाय स्वेटिंग और शिवरिंग। एंड देर कैन बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, जिसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को बेसिकली कॉन्स्टेंट रखा जाने का प्रयास किया जाता है। और वही मैं बोल रहा हूँ, कौन से एनिमल्स कितने स्ट्रेसफुल कंडीशन में कितना सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है देयर एबिलिटी टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कन्फर्म, ये दूसरा तरीका हुआ। कन्फर्म में क्या होते हैं कि आपको याद रखने हैं कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स वो अपने कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि अगर सीजन चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, लाइट में कुछ वेरिएशन होते हैं, तो उसको ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट व्हेन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज चेंजिंग सो फास्ट। तो कुछ के लिए जो थर्मोरेगुलेशन है वो एक्सपेंसिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीयूज एंड हेमिंगबर्ड्स, और हीट लॉस एंड गेन इज फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। और ये याद रखना है, स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, सो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। तो जैसे लिजार्ड को देख सकते हो, लिजार्ड का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो लार्जर होता है, और जबकि अगर वॉल्यूम देखा जाए तो उसके वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू जो आपका सरफेस एरिया वो कवर कर रहा है वो लेस होता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये बॉडी हीट को बड़ा फास्ट लूज करने लग जाएंगे अगर बाहर आउटसाइड कोल्ड है, तो बिकॉज सरफेस एरिया इनका ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर कोल्ड है तो वो कोल्ड कहीं ना कहीं इसको भी अपने दायरे में कवर कर लेगा, और दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर हीट वेरी फास्ट एंड रैपिड। एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी जनरेटेड बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। एंड अब इतना ज़्यादा एक्टिविटी करना है तो ये तो सर्वाइवेबिलिटी के लिए खतरा हो जाएंगी, क्योंकि दे कैन नॉट जनरेट एज मच एनर्जी दैट रिक्वायर्स, बार बार जो है वो मेटाबॉलिज्म तो नहीं कर सकती इन स्पीसीज के द्वारा। दैट्स वाई आप भी देखोगे कि स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन, बिकॉज जो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है फॉर देयर सर्वाइबिलिटी। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड्स चेंजेज विद दैट ऑफ द एम्बियंट वाटर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। और फिर अगर हम बात करें माइग्रेट की, तो माइग्रेट के बारे में आप भी समझ सकते हो कि लेट्स से कि स्ट्रेस्ड हैबिटेट्स है, तो स्ट्रेस्ड हैबिटेट्स है, तो इस समय अगर किसी ऑर्गेनिज्म को परेशानी हो रही है तो टू गेट आउट फ्रॉम दैट स्ट्रेस्ड कंडीशन दे कैन माइग्रेट फॉर टेम्पररी पीरियड, है ना, फ्रॉम द स्ट्रेस हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, है ना, याद रखना है केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, एंड इट होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग विंटर मंथ। और एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स ये याद रखना है, साइबेरियन क्रेन्स, ये तो आपको पता होंगे, अमूर फाल्कोन, ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो, अमूर फाल्कोन, साइबेरियन क्रेन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। अब जो कुछ अन्य एक्टिविटी जो ऑर्गेनिजम्स करती है,
फॉर देयर सर्वाइबिलिटी, वो आप देख सकते हो। सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी कि वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो, फंगी हो, लोअर प्लांट्स हो, ये क्या करती है अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, वन थिंग्स आर नॉट इन अकॉर्डिंग विद देम, तो दे फॉर्म्स थिक वॉल्ड स्पोर्स, है ना, तो ये याद रखना है, थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाती है, ये भी एक तरीका है टू ओवरकम द स्ट्रेस एनवायरनमेंट। अलोंग विद सम स्पीसीज बिकम्स डॉर्मेंट, डॉर्मेंट यानी कि क्या, जैसे प्लांट्स में देख लो तो प्लांट्स में क्या करेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो कम कर देंगी, है ना, इन हायर प्लांट्स इन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस प्लांट्स इज डॉर्मेंट इन दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन, है ना। डॉर्मेंसी मतलब क्या, अपने ग्रोथ को रोक देना, ग्रोथ को कम कर देना, ग्रोथ को कम कर देना यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर देना, सो दैट कम एनर्जी लॉस्ट हो। और हाइबरनेशन में क्या होती है, हाइबरनेशन इज व्हेन एन एनिमल स्लो इट्स हार्ट रेट टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच। ये जो पोलर बियर होते हैं आपके, या बैट या रोडेंट, ये सब हाइबरनेट करते हैं अगर देयर इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, है ना। इसमें क्या होती है कि जो एनिमल्स हैं ये अपनी हार्ट रेट स्लो कर देती है, क्यों स्लो करती है, सो देट उनको अपनी एनर्जी बचानी पड़े, और विंटर में जब उनको खाना ना मिलते हो बिकॉज ऑफ द प्लांट एक्टिविटीज आर रेस्ट्रिक्टेड, तो वो अपने जो एनर्जी है वो बचा कर रखे विदाउट ईटिंग मच। एंड वी हैव एस्टिवेशन, एस्टिवेशन जो है वो आपका सिमिलर होता है हाइबरनेशन से, बट एस्टिवेशन आपका समर में देखने को मिलता है रेदर देन विंटर। और कुछ एग्जांपल जो एस्टिवेशन करते हैं, एग्जांपल के तौर पर स्नेल फिश हो गया, डायापाउस क्या होते हैं, अब डायापाउस का मतलब ये हुआ कि जो जुओ प्लैंकटन होते हैं, जुओ प्लैंकटन यानी कि वैसे स्पीसीज जो आपके लेक्स और पॉन्ड्स में रहते हैं उनको हमने जुओ प्लैंकटन का नाम दिया है। तो जुओ प्लैंकटन स्पीसीज लाइक द लीव्स इन लेक एंड पॉन्ड्स, ये जब अपना डेवलपमेंटल एक्टिविटी या मेटाबोलिज्म एक्टिविटीज को कम कर देती है या फिर सस्पेंड कर देती है तब हम कहते हैं डायापाउस, तो ये याद रखना है। तो डायापाउस सिंपली जुओ प्लैंकटन स्पीसीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स वेयर ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, तो वी कैन से डायापाउस। अब बात करते हैं हम एडेप्टेशंस की, तो जब हम बात करते हैं एडेप्टेशंस की तो क्या होता है ये एडेप्टेशन, नाम से ही पता चल रहा है, एडेप्टेशन एक टूल कह सकते हो, एट्रीब्यूट क्वालिटी कह सकते हो ऑर्गेनिज्म की, इट कैन बी बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल विच इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। एंड एडेप्टेडनेस इज द स्टेट ऑफ बींग एडेप्टेड, the degree to which an organism is able to live and reproduce in a given set of habitats, इसको हम कह सकते हैं कि adaptedness, कुछ species completely adapt हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती, कुछ basically exit हो जाती हैं उस particular habitat से, तो ये सब आपका जो rate of adaptation है in a particular habitat, उसको हम कहेंगे adaptedness, है ना, is the stage of being adapted, the degree to which an organism is able to live एंड रिप्रोड्यूस इन ए गिवन सेट ऑफ हैबिटेट। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, और बेसिकली कैसे उन्होंने अडॉप्ट किया है कंगारू रैट ने, तो इन एबसेंस ऑफ वाटर हैज द एबिलिटी टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, कैसे, थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, एंड हैज एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन, इवन when there is no water, then a tool has been devised by the species to meet its requirement of water. कैसे, तो internal fat oxidation plus ability to concentrate its urine, तो water की जो requirement है वो fulfill हो जाती है। This is the best example of adaptation. Now adaptation के मैंने बताया कि दो तीन type है, एक तो आपका morphological adaptation होते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होते हैं, बायोकेमिकल एडेप्टेशन प्लस बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फो की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत बेसिकली ये जो प्लांट स्पीसीज होते हैं या एनिमल स्पीसीज होते हैं इनके स्ट्रक्चर, इनके बनावट में कुछ इस प्रकार की चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि वो उसी क्लाइमेट या फिर उसी इन्वायरमेंट के लिए शूट करती है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट की ही बात कर लो, तो डेजर्ट प्लांट है थिक क्यूटिकल,
on their deep surface and stomata and arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration. And तो ये आपका क्या है? Morphological adaptation. जैसे कुछ desert plants like Opunuta have no leaves and photosynthetic function is taken over by flattened stems. तो ये भी कुछ example है आपके morphological adaptation के. उसके बाद क्या? अगर animals species में देख लो, तो mammals from colder climates have shorter ear and limbs to minimize heat loss. एंड इसी को कहते हैं एलेंस रूल. तो एलेंस रूल क्या बोलता है? बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में वो प्रॉपर बातें कह रहा है कि कैसे जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं वो डिटरमाइन कर रही है स्पीसीज के मॉर्फोलॉजिकल शेप स्ट्रक्चर साइज को. कि अगर कोल्डर क्लाइमेट है तो वहाँ जो स्पीसीज के ईयर्स होंगे वो बेसिकली शॉर्टर होंगे टू मिनिमाइज हीट लॉस. एंड वी हैव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, यानी कि जो आपके जैसे एल्टीट्यूड सिकनेस वाली बात आ जाती है. जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है. तो उस समय जो हमारा शरीर उस इन्वायरमेंट को अडोप्ट करने के लिए प्रयास करता है वो बेसिकली वो क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ना. तो याद रखना है, आवर बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड अल्टीमेटली ब्रीथिंग रेट बढ़ जाते हैं ना. तो हम हायर ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है और अल्टीमेटली इस वे से हम लोग अडेप्ट करते हैं किसी डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल रीजन को. नाउ वी हैव बायोकेमिकल एडेप्टेशन. तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन में क्या होगा, मैनी फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स लिव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन जहां पर प्रेशर मोर देन 100 टाइम्स हो सकते हैं देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी एक्सपीरियंस है ना. तो ये आप समझ सकते हो और ये सब में होती है, बहुत सारे फिश हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं और जब वो ग्रेटर डेप्थ पे रहती है तो प्रेशर तो डेफिनेटली ज्यादा है, काफी ज्यादा है, फिर भी दे अडॉप्ट इटसेल्फ. तो ये जो एडेप्टेशन की प्रक्रिया है वो आपका बायो केमिकल एडेप्टेशन कह सकते हो. बिहेवियरल एडेप्टेशन में क्या होगी, बिहेवियरल एडेप्टेशन में फॉर एग्जांपल बिहेवियरल चेंज आपको देखने को मिलेगा है ना. जैसे लिजार्ड दे बास्क इन द सन व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बट मूव्स टू शेड व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो ये सब कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशन के एग्जाम्पल है. अब हम आते हैं मेजर बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में और इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो इस पर अच्छे से तैयारी होनी चाहिए. मेजर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो मेजर बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका प्रोड्यूसर आ जाता है, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर आपको ही पता है कि वैसे स्पीसीज दैट क्रिएट फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर. इनऑर्गेनिक मैटर आपका और कुछ नहीं बल्कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकता है. तो प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर. एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो देख सकते हो प्लांट्स है लिचेंस एंड एल्गीज विच कन्वर्ट वाटर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ये आपके प्रोड्यूशन. और अगर हम बात करें कंज्यूमर की तो कंज्यूमर हैव टू फीड ऑन प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स टू सर्वाइव है ना. तो प्रोड्यूसर की बात हमने कर दिया, कंज्यूमर्स की बात हमने कर दिया. कंज्यूमर में क्या होती है, प्रोड्यूसर्स या फिर अदर कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करती है टू सर्वाइव. और अगर ये प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली फीड करती है फॉर देयर सर्वाइबिलिटी तो इसको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स कहोगे. एंड इफ एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और देयर प्रोड्यूस तो आपको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं. सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो यहाँ पर, जैसे लेट्स से कि प्लांट्स है, प्लांट ने कुछ प्रोड्यूस किया और जब ये प्रोडक्ट्स खाए जाएंगे किसी एनिमल्स के द्वारा तो ये जो आपका डायरेक्टली फीड किया जा रहा है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स तो इसको हम कह देंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. और फिर ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाएगा इसे हम कह देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. एंड देख सकते हो आपको ये पता है द कंज्यूमर दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स तो उसको हम तो यहाँ देख सकते हो द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स इसको हम
कार्निवोर्स कहते हैं या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर्स। वाई प्राइमरी कार्निवोर्स? बिकॉज दे फीड ऑन द हार्वीवोर्स एट द फर्स्ट गो। तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स है बट सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स में आप समझ सकते हो कि प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाया जा रहा है, और बेसिकली कार्निवोर्स में बेसिकली उस कंज्यूमर को खाया जा रहा है जो हर्बीवोर्स है ना। तो इसका मतलब इसको हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे बट सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो आपका वो है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करता है। एंड दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये तो आपको भी पता है। एग्जाम्पल के तौर पर डियर, बियर, ह्यूमन बींग्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और हम आते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है? नाम से ही पता चलता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म्स, या फिर वास जो जनरेट होते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो डिकम्पोजर का बेस्ट डिफिनेशन क्या हुआ? दैट प्राइमरी फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म और द वास्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें दो तीन टर्म आपको पता होनी चाहिए। डेट्रीवोर्स क्या है? तो डेट्रीवोर्स बेसिकली उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं विच परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन एज डिकम्पोजर्स एंड आर समटाइम्स कॉल्ड डेट्रीवोर्स, है ना। तो डेट्रीवोर्स इज बेसिकली ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एज डिकम्पोजर्स, उसको हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। लेकिन याद रखना, डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर में डिफरेंस होता है। क्या होता है? तो ये कि जो आपका डिफरेंस लाइज इन द वे कि डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटीरियल, और ये जो डेट्रीवोर्स होंगे उनको बेसिकली उन ऑर्गेनिक मटीरियल को अपने बॉडी में डाइजेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन एंड गेन न्यूट्रिएंट। जबकि डिकम्पोजर डू नॉट नीड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इंटरनली इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन, है ना। तो ये बातें, ये दो डिफरेंसेस हैं कि पहली बात तो डेट्रीवोर्स मस्ट डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इटसेल्फ विद इन देयर बॉडी इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन एंड गेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। और फिर आप देख सकते हो डिकम्पोजर डू नॉट नीड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इंटरनली इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन। नाउ वी हैव स्केवेंजर्स। तो जब हम स्केवेंजर्स की बात करते हैं तो स्केवेंजर्स आर द फर्स्ट टू अराइव एट डेड ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स, है ना। तो स्केवेंजर्स तो आपको ही पता है। तो जैसे बैक्टीरिया, फंगी हो गए, ये सब स्केवेंजर्स के एग्जाम्पल है। दे आर फर्स्ट टू अराइव एट डेड ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स। तो सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया, फंगी आ जाएंगे, ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड लायन, जेकास, वॉल्स, रेकून्स, ऑफशियम। तो ये सब कुछ बातें हैं स्केवेंजर्स, होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ये भी डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स पर ही आते हैं। और डेट्रीवोर्स भी हो गई, और डिकम्पोजर्स के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है। तो अब चलते हैं बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट बात जो जानने हैं हमें। एक तो है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट स्पीसीज का, है ना, वाई? बिकॉज दे ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल, तो हम उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज जो है वो वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं। श्रब्स उसके बाद, हर्ब्स एंड ग्रासेस उसके बाद। तो ये आपका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट स्पीसीज का, इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सबसे नीचे लेयर से आपका हो सकता है कि ग्रासेस आ जाए, उसके बाद आपके बेसिकली श्रब्स आ जाए, उसके बाद हो सकता है बेसिकली ट्रीज या फॉरेस्ट आ जाए। तो ये आपका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम बेसिकली कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इनके बारे में भी कुछ जानना जरूरी है कि क्या कंपोनेंट्स है, क्या फंक्शंस है इकोसिस्टम के। तो बेसिकली सबसे पहली बात, फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और फोर बेसिक कंपोनेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, चौथा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी सिंपली अगर इकोलॉजी के सब्जेक्ट में बात करें तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, है ना। तो प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सा आपको याद रखना है
रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, तो प्राइमरी प्रोडक्शन जब भी प्राइमरी आ गया और प्रोडक्शन आ गया तो इसका मतलब प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हो, एक ही बात है, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय होम प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। अब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है जो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन था ऑर्गेनिक मैटर का या फिर बायोमास का ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यस, और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी या रेट ऑफ प्रोडक्शन रहा, उसे हमने ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम दिया है। और ये आपको याद रखने है कि जो जीपीपी आपका निकल कर आता है, ऐसा नहीं है कि वो जो है सारे जीपीपी यूटिलाइज किए जाते हैं एनिमल्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा, बिकाउज ये जो प्लांट जब प्रोड्यूस करते हैं तो इनको जो एनर्जी है या फिर जो भी इनका ऑर्गेनिक मैटर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं रिस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो इसका मतलब अगर हम जीपीपी माइनस रिस्पिरेशनल लॉस या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सब्सट्रैक्ट कर दे, वी विल गेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल से शब्दों में कहें तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, है ना। तो यहाँ पर सेकेंडरी हमेशा कंज्यूमर्स आ जाएंगे, प्राइमरी हमेशा प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे। और ये देख सकते हैं एवरेज एनएनपी जो निकाली गई है, आपको याद रखनी है अगर पूछ लिया जाए कि ये किसका एनएनपी ऑन एवरेज सबसे ज़्यादा है, तो एल्गी बेट्स एंड रीप्स का पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरे पर तुंद्रा एंड अल्पाइन, फोर्थ पर ओपन ओशियन, फिफ्थ पर डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। तो ये आपको याद रखनी है एवरेज एनपीपी, और ये बेसिकली टर्न्स पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर के रिस्पेक्ट में बातें कही जा रही है। तो आपका एलगल बेट्स एंड रिप्स आ गई पहले नंबर पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दूसरे नंबर पर, तुंद्रा एंड अल्पाइन तीसरे, ओपन ओशियन फोर्थ एंड डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फिफ्थ। बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन की, तो जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डिकम्पोजर्स आपको ही पता है क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स हो सकती है। और जब ये डिकम्पोजिशन किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो डिकम्पोजिशन के द्वारा देखने को मिलते हैं, इसमें आपका फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या स्टेप्स इन द या ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन आपको देखने को मिलते हैं। और डेटरिवोर्स आपको भी पता है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म्स ब्रेक डाउन द डेटरिटर डेड ऑर्गेनिक मैटर इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं ना। तो फ्रेगमेंटेशन यानी कि सेग्रीगेटिंग या फिर फ्रेगमेंटिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन टू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तो ये आपके डेटरिवोर्स कहलाते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स goes down into the soil horizon and ultimately get precipitated as enabler salt. और ये जो bacterial और fungal enzymes होते हैं वो अपने detritus matter को degrade करते हैं into simple inorganic substances, और जब ये प्रक्रियाएँ होती है इनके द्वारा तो हम इनको catabolism कहते हैं। ये सब basically decomposition करने की कुछ way है, steps है ना, जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है। डिफरेंट स्पीसीज यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी, और ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ इट साइमल्टेनियसली, वही मैंने बोला कोई भी डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर है जब वो हुआ तो इस पर ये साइमल्टेनियस प्रोसेस चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स है
ये क्या करेंगे, डेटरियस मेटल्स को सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिग्रेड करते रहेंगे। एक तरफ कैटाबॉलिज्म चल रहा है, एक तरफ लीचिंग चल रहा है, एक तरफ आपका डेटरिवोर्स एक्ट कर रहे हैं और एक तरफ आपका अन्य एक्टिविटीज दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस ये सब हो रही है। ये सब जो है साइमल्टेनियसली एक्ट होती है और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉयल। और ह्यूमिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या है ह्यूमिफिकेशन, जब भी हम ह्यूमस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि बेसिकली ह्यूमिफिकेशन के बारे में आपको पता होगा। बेसिकली ये जो आपका सॉयल होता है उसमें डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस आपको देखने को मिलती होंगी, वही ह्यूमस है। और ह्यूमस बेसिकली आपको जो भी प्लांट्स है उनके ग्रोथ के लिए, उनके फ्रूट्स बियरिंग के लिए काफी ज्यादा नेसेसिटी होती है ना। तो सिंपल सा कहे तो इट सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। सिंपल अगर कहे तो एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस जब होता है तो उसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं ना, तो ये याद रखना है। वैसे ह्यूमस या ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमस जो होते हैं वो हाईली रेसिस्टेंस होते हैं माइक्रोबियल एक्शंस के प्रति। तो इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन होता है ह्यूमस का वो एक्सट्रीमली स्लो रेट पर होता है, लेकिन जब एक्सेसिव डिग्रेडेशन हो गया बाय सम माइक्रोब्स और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि डिग्रेडेशन का मतलब ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रिलीज होना, तो हम कह सकते हैं कि उस वो जो है मिनरलाइजेशन हो चुका है उस ह्यूमस का। और डिकम्पोजिशन जब भी होंगे तो याद रखना है आपको ये जो आपके बैक्टीरिया या फिर जो डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं दे रिक्वायर्स लार्जली एन ऑक्सीजन, है ना। तो डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल सही, टेम्परेचर हो सॉयल मॉइस्चर हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन स्लोवर होंगी इफ डेट्रिटस रिच इन लिग्निन एंड चिंतीन एंड क्विकर होंगी डेट्रिटस रिच इन नाइट्रोजन वाटर। याद रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट है बेसिकली या डेड ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली वो डिग्रेड तेजी से या डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा, अगर उसमें नाइट्रोजन और वाटर रिच मिनरल्स हैं तो मान के चलो उसका डिकम्पोजिशन तेजी से होगा। लेकिन हाँ अगर लिग्निन और चिंतीन रिच है वो डेट्रिटस प्रोडक्ट तो स्लो डिग्रेडेशन होगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। तो जब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की तो याद रखना है एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा एनर्जी का टुवार्ड्स हायर ट्रॉफिक लेवल्स एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज टू द हीट ऑफ एनवायरमेंट। सिंपली अगर कहें तो जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी बनेगा और बेसिकली मोर एंड मोर लॉस ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, है ना। दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द एनर्जी पिरामिड इज लाइक दैट। तो क्या याद रखना है, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये आपको फैक्ट याद रखने, सोलर रेडिएशन जब आते हैं बेसिकली तो सोलर रेडिएशन में हम जब बात करते हैं तो इसमें आपका जो भी सनलाइट आता है उसका लेस देन 50% वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होते हैं और उसमें सिर्फ प्लांट्स जो यूटिलाइज करते हैं इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को वो ओनली 2 से 10% ऑफ द पीआर होता है एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। तो ये बातें का आपको ध्यान रखना है कि आप समझ सकते हो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 से 10% ऑफ द पीएआर यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड अल्टीमेटली दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द लिविंग इंटायर वर्ल्ड। तो ये जो आपका ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये तो आपको ही पता है। कुछ एग्जांपल ले लो, फाइटोप्लैंक्टन यस दे आर प्रोड्यूसर्स, अल्गल यस, हायर प्लांट्स ये सब तो आपके प्रोड्यूसर्स ही हैं। ऑल एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स उसको हम कंज्यूमर्स कहते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। याद रखना है ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेटरोट्रॉप।
एंड ट्रॉफिक लेवल आपको ही पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, है ना। और ये आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल सन है, सन अगर आपको 100% रेडिएशन सेंड करता है तो ओनली 50% रेडिएशन आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होते हैं। और इसमें भी क्या, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जब अपने प्रोडक्ट्स या फूड्स बनाते हैं, सिर्फ 2 से 10% का फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का इस्तेमाल कर पाते हैं, और जो भी उन्होंने बनाया और उसे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। और याद रखना है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ओनली एंड ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय द प्लांट, उसके ऊपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टॉप लेवल कार्निवोर्स हमें मिलेगा, और बेसिकली ये आपको याद रखनी है। अब ये जो आपका फूड चेन है, ये तो हमने एनर्जी फ्लो देख लिया, और अब हम आते हैं फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा, ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा याद रखना है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का रोल निभाएंगी, एंड प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज ऑक्युपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, है ना। व्हाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि यहाँ प्रोड्यूसर्स ही हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का रोल निभा रही है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो भी कंज्यूमर्स रहेंगे उनको जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ही जगह मिलेगी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में नहीं। एंड एनर्जी फॉर द ग्रेजिंग फूड चेन इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सनलाइट, व्हाई, बिकॉज प्रोड्यूसर्स इज प्लांट। एंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। और जब हम बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन की, तो डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो याद रखना है यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर्स से शुरू हो रहा है, यहाँ डेट्रिटस में आपका जो फूड चेन है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा, और कहीं ना कहीं जो एनर्जी जो मिल रही है इस प्रक्रिया में वो ऑब्टेन किया जा रहा है फ्रॉम द ऑर्गेनिक डेब्रिस और इंटरस्टीरियल इकोसिस्टम, ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। ये याद रखना है, इंटरस्टीरियल इकोसिस्टम मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्रिटस फूड चेन देन द ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम बात करते हैं फूड चेन एंड फूड वेव की, क्या मतलब होता है फूड चेन और फूड वेव का। तो फूड चेन सिंपली कहें तो क्या है, लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर। बिल्कुल सही, लीनियर फ्लो, ये बेसिकली सिंबॉलिक है, क्योंकि रियलिटी में वी हैव फूड वेव, है ना। वी कैन नॉट से कि एक स्पीसीज जो है कोर जो है चूहा ही खाएगा या चूहा को सिर्फ ओल ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। मल्टीपल स्पीसीज कैन ईट द वन स्पीसीज, दैट्स वाई ये फूड चेन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, बट रियलिटी में हमारे फूड चेन नहीं बल्कि फूड वेव देखने को मिलता है। तो फूड चेन इज ए लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एंड ए फूड चेन रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो एंड रिफ्लेक्ट्स ए सिंपल एंड आइसोलेटेड रिलेशनशिप। कैसे, यहाँ देख सकते हैं आप, कॉर्न eaten by rat, then rat eaten by owl, carrots eaten by rabbit, rabbit by fox, fox then by lion, है ना। तो ये आपका लीनियर फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज सिंपली सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पर हम आइसोलेटेड रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये नहीं दिखा रहे कि रेड को सिर्फ ऑल ही नहीं खा सकता बल्कि ये फॉक्स भी खा सकता है या कोई अन्य स्पीसीज भी रेड को खा सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा फूड चेन हुआ। और फूड वेव में आपको ही पता है इसमें आपका कॉम्बिनेशन है मैनी डिफरेंट फूड चेन्स का, एंड देयर इज मोर देन वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स अनलाइक फूड चेन। और ये याद रखना है आपको कि इट शोज ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, एंड फूड वेव प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड। बिल्कुल सही है, टू मोस्ट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, देयरफॉर इनक्रीजेस द चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल। यहाँ देख सकते हो ये जो आपका माउस है उसको रेबिट भी खा सकता है, उसको ये वाइल्ड कैट भी खा सकता है, ओल भी खा सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फूड वेब बेसिकली अब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड, क्योंकि अगर लेट से कि रेट को कोई दूसरा खा गया तो इसके लिए ये वाइल्ड कैट शिकारी हो सकता है, या फिर ये गोट के लिए ये खुद शिकारी हो सकता है, रेबिट के लिए ये तो है ही, या ट्रीज भी उनका शिकार बन सकते हैं। अब आते हैं द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड।
तो जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड? तो इकोलॉजिकल पिरामिड की सिंपल सी भाषा में बात करें तो स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स एक्सप्रेस इन डायग्रामेटिक वे रिफर टू द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसमें आपको रटने होंगे, है ना। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही। एंड अपेक्स रिप्रेजेंट टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। और तीन इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो यूजुअली स्टडी किए जाते हैं, आपको याद रखना है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा इजी है, हमें जानना होगा पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, तो याद रखना है ये बोथ अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि कहाँ पर अपराइट होंगे कहाँ पर इन्वर्टेड होंगे। लेकिन अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर्स के बेसिक की, तो इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो गया, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, है ना, एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो हो सकता है एक ट्रॉपिक लेवल पे जो जो स्पीसीज मिल रहे हो उनका आप सम कर दो, जो दूसरे ट्रॉपिक पर लेवल पर मिल रहे हैं तो उनका आप सम कर दो। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या कर रहे हैं, नंबर्स यानी कि सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल्स कह सकते हो, ऑफ द स्पीसीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो आपके पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो अपराइट हो सकते हैं ना। तो अपराइट होने का क्या मतलब है, सिंपली कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे वो डिक्रीज कर रहे होंगे फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। और कहाँ पर ये पिरामिड ऑफ नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, ये याद रखना है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पोंड इकोसिस्टम, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। तो सिंपली पिरामिड ऑफ नंबर आपका दो प्रकार का हो सकता है, अपराइट और इन्वर्टेड। और अपराइट में बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पोंड इकोसिस्टम का नाम आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेड में क्या होंगी कि नाम से ही पता चल रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो जाएंगी फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, जस्ट एज ट्री इकोसिस्टम, है ना। तो ट्री इकोसिस्टम आपको याद रखना है, जैसे ट्री इकोसिस्टम में तो एक ही ट्री है जो प्रोड्यूसर्स है, लेकिन उसके ऊपर वेरियस कंज्यूमर्स है, जैसे ये बर्ड्स हो गए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर थर्ड में आप देख सकते हो पैरासाइट्स, कीड़े मकोड़े हो गए, ये काफी भारी संख्या मिल जाएंगे। और उसके भी ऊपर आपको हाइपर पैरासाइट बैक्टीरिया फंगस ये सब हो जाते हैं, जो और भी ज्यादा संख्या में मिल जाएंगे आपको। ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, जिसमें आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, एग्जांपल के तौर पर आपका ट्री इकोसिस्टम है। और ये सब बातें तो हो गई, और ये आपका याद रखना है आपको जो हमने आपको बताया। पिरामिड ऑफ बायोमास की तरफ आते हैं, तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होती है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जब भी निकाली जाएंगी इसमें क्या होते हैं, बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉपिक लेवल सेपरेटली एंड मीजरिंग देयर ड्राई वेट। एंड क्या याद रखने, तो जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग, है ना। तो ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉपिक लेवल, उसको सेपरेटली हम कैलकुलेट करते हैं और उनके ड्राई वेट को मेजर करते हैं ना। और डेफिनेटली ईच ट्रॉपिक लेवल विल बी हैविंग सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पार्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। वो तो समय समय पर वैरी करती है ना, क्योंकि एक समय हो सकता है प्रोड्यूस कर रही हो, एक समय हो सकता है वो प्रोड्यूस ना कर रही हो, जैसे पतझड़ का मौसम है तो उस समय आपका जो मास है या बायोमास है वो डिफरेंट हो सकता है ना। तो पिरामिड ऑफ बायोमास वो भी आपका अपराइट या फिर इन्वर्टेड हो सकता है। और अगर हम बात करें अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो याद रखना है मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑन लैंड जो आपको देखने को मिलते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑन लैंड वो अपराइट ही होंगे। द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विथ ए स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल ऑन द टॉप, याद रखना है मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड इज ऑफ अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। और इन्वर्टेड में क्या होगी कि जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम होंगी वो इन्वर्टेड होंगी, एंड द पिरामिड ऑफ बायोमास मे अज्यूम एन इन्वर्टेड फॉर्म। और जैसा कि हमने बताया था पिरामिड ऑफ नंबर्स फॉर द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अपराइट, तो याद रखना है वाई अपराइट नंबर्स में, बिकॉज जैसे जैसे
हायर ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे, हायर स्टेज में जाएंगे, तो स्पीसीज जो है वो कम होती जाएंगी, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कम होती जाएंगी, जबकि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो अलग अलग ब्लूम का भी नाम आपने सुना होगा, तो ये याद रखना है जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड फॉर्म में आपको रिफ्लेक्ट होगा, और पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करेंगे तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपराइट रिप्रेजेंट होगा। ये होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। सिंपल सा कंसेप्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ऑलवेज अपराइट होता है एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज द हीट एट ईच स्टेप। तो हम बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स की। पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, ये पॉल्यूटेंट एंड ट्रॉपिक लेवल्स, तो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मूव फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉल्यूटेंट्स कैन बी बेसिकली डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल, ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, वैसे पॉल्यूटेंट जो डिग्रेड नहीं होते वो एक ट्रॉपिक लेवल से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में मूव कर सकते हैं, और नॉन डिग्रेडेबल इज विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट का शेयर जब किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में एक्यूमुलेट होते जाता है ड्यू टू फूड चैन, है ना। लेट से कि वो जिस फूड चैन में इन्वॉल्व है किसी स्पीसीज को वो खा रहा होगा, और वो स्पीसीज बेसिकली कोई पॉल्यूटेंट कैरी ऑन कर रहा होगा, और चूंकि वो बार बार खा रहा है बिकॉज दैट स्पीसीज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फूड चैन, तो अल्टीमेटली जो एक्यूमुलेशन है उस स्पीसीज में पॉल्यूटेंट की वो बढ़ती चली जाएंगी, एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। बायो मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ता जाएगा, ट्रॉपिक लेवल ए बी सी डी, तो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट जो है एट ईच ट्रॉपिक लेवल बढ़ते चले जाएंगे। क्यों होगा, बिकॉज आपको भी पता है कि जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल में हम जाते हैं जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको सर्वाइबिलिटी के लिए काफ़ी हाई नंबर ऑफ स्पीसीज चाहिए फॉर देयर फूड, तो जितना ज़्यादा स्पीसीज वो खाएंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं बायो मैग्निफिकेशन होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली तो देख सकते हो मरकरी, डीडीटी, ये कुछ एग्जांपल है पॉल्यूटेंट्स के। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इंटरेक्शंस की। क्या है भाई साहब ऑर्गेनिक इंटरेक्शंस या फिर बायोटिक इंटरेक्शन, नाम से पता चल रहा है बायोटिक इंटरेक्शंस। ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, आपको ही पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, वो इंटरलिंक कैसे हैं, उस इंटरलिंक के मैकेनिज्म को बेसिकली डिवाइड किया गया है कि क्या सिम्बायोटिक है, क्या ये इंटरलिंक के जैसे बेनिफिट करते हैं या हार्म करते हैं, बेनिफिट या हार्म दोनों करते हैं या फिर हार्म ही करते हैं, तो उन इंटरेक्शन की जब हम स्टडी करेंगे तो हम बायोटिक इंटरेक्शन का नाम देंगे। तो ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, द इंटरेक्शन इज फंडामेंटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। एंड देख सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। तो यही है ना, तो इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल, इंटरेक्शन कैन बी डेट्रीमेंटल, इंटरेक्शन कैन बी न्यूट्रल, यानी कि नेदर हार्म नॉट बेनिफिशियल टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपको रटने होंगे म्यूचुअलिज्म में क्या होंगे, तो जो स्पीसीज वन होंगे और स्पीसीज टू होंगे वो दोनों म्यूचुअली बेनिफिट करेंगे इस इंटरेक्शन से, है ना। तो म्यूचुअलिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन पर कैपिटा रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन। और एग्जाम्पल्स जहाँ म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिलेगा, लिचेंस, वो आपका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहता है बिटवीन फंगस एंड अलगी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो आपका लिचेंस है
वो म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है दैट रिमेन्स इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड अलगी. तो अलगी जो है बेसिकली फूड प्रदान कर देता है और फंगस जो है वो उसे घर प्रदान कर देता है. और दूसरा है आपको माइक्रोराइजे. माइक्रोराइजे आपको पता होने चाहिए एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट. तो ये जरूर याद रखने हैं. माइक्रोराइजे की बात करें तो दिस इज एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट. ये एग्जाम्पल है आपको म्यूचुअलिज्म की. कंपटीशन सिंपली इजी है. कंपटीशन में क्या होगा कि दोनों स्पीसीज हार्म होंगी, है ना. तो स्ट्रगल को डिनोट करता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर द सेम रिसोर्सेज विद इन एन एनवायरमेंट, है ना. और जनरली बिलीव की जो कंपटीशन अकर करते हैं वो बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि हो सकता है एक फूड है और एक फूड की रिक्वायरमेंट बेसिकली ये जो ए स्पीसीज है बी स्पीसीज है दोनों जो इस फूड पर नजर रखे हुए है. तो अल्टीमेटली ये जो कह सकते हैं कि ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है जिनको इस फूड की दरकार है, और अल्टीमेटली चूंकि फूड लिमिटेड है तो कंपटीशन हाई हो जाएगा. यही अगर स्पीसीज भी इस फूड के बजाय दूसरे फूड पर फोकस करेगा तो कंपटीशन लूज हो जाता है. लेकिन चूंकि रिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव इम्पैक्ट देगा. But this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resources. वो मैंने भी बताया, है ना? Resources need not be limiting for competition to occur. In interference competition, feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो अविंग डॉन टॉर्टवा जो गैल्पागोस आइलैंड्स में रहते हैं. ये गैल्पागोस आइलैंड बेसिकली वही है जहाँ पर डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था. तो ये जो आपका अविंग डॉन टॉर्टवाइज है इन गैल्पागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गॉड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द लैंड. तो ये आपका बेसिकली एग्जाम्पल है. और प्रेडेशन प्रेडेशन सिंपली वन बेनिफिट्स एंड द अदर हार्म्स. तो प्रेडेशन में क्या होता है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म जो आपका प्रीडेटर है, प्रीडेटर यानी कि शिकारी, है ना, किल्स एंड इट्स अनदर ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रे यानी कि शिकार, है ना. शिकारी यहाँ पर अपने शिकार को खा जाता है, ईट कर जाता है. तो इसका मतलब जिसने खाया उसको तो मजा ही आया, जिसे खा लिया गया उसे सजा हो गई. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स एडोप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल एंड आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट रिपॉपुलेशन, है ना. तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स है जो एडोप्ट किए जाते हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में वो बेसिकली एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन, है ना. तो वो खा लेंगे प्रे को तो अल्टीमेटली वो रेगुलेट कर देंगे. सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, क्यों, टू अवॉइड बींग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रीडेटर, है ना. ये सब जो है सर्वाइविंग टेक्निक है ना. तो सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड यानी कि कैमोफ्लैग टू अवॉइड बींग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रीडेटर. और जो प्रीडेटर्स है ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एन कम्युनिटी, है ना. कि कैसे, क्योंकि प्रीडेटर ये ध्यान में रखता है कि कोई भी स्पीसीज बड़ा ना हो जाए, और अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको खा लिया जाएगा और अल्टीमेटली जो अन्य स्पीसीज है उनको आपके इकोसिस्टम में रहने की अच्छे से छूट मिल जाएगी, वो इंडिपेंडेंटली रह सकेंगे. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रीडेटर्स का एक रोल तो ये भी है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी. नाउ वी हैव पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन a species where one organism that is the parasite lives on or inside another organism. Parasitism हो या फिर आपका ये जो आपका predator हो या predation हो, ये दोनों में one benefits and one harms होते हैं, है ना. लेकिन parasitism में क्या होगा, parasitism में आपको याद रखना है कि symbiotic relationship होता है. symbiotic यानी कि ये relationship टूट नहीं सकते, है ना. Symbiotic relationship between the species where one organism that is parasite lives on or inside other organism host causing it somehow and is adapted structurally to this way of life, है ना. तो याद रखना many parasites have evolved to be host specific यानी कि they can parasitize only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to evolve. यही तो है symbiosis
रिलेशनशिप और मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट्स बिल्कुल हार्म्स द होस्ट दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट पॉपुलेशन डेंसिटी और ये देख सकते हो एक्टो पैरासाइट तो एक्टो पैरासाइट कौन हुए पैरासाइट दैट फीड ऑन नाम से ही पता चल रहा है एक्टो पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट है ना तो हम कहेंगे वो एक्टो पैरासाइट हुआ जैसे लाइश लाइश यानी कि जो आपके शरीर पर रहते हैं जू उनको कहते हैं कुछ कैटा प्लांट है ना तो ये सब क्या है ये है आपके एक्टो पैरासाइट है ना दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस अब है दूसरा इंडो पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट चाहे वो लीवर किडनी लंग्स रेड ब्लड सेल्स कहीं पर भी चिपक सकते हैं नाउ वी हैव ब्रूड पैरासिटिज्म ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज ए फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म जहां पर पैरासाइटिक बर्ड लेज इट्स ईग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट है ना एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम जैसे कोयल है ना तो कोयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म है ना वेयर पैरासाइटिक बर्ड लेज इट्स ईग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम अब पता भी नहीं चलता कमेंसलिज्म इज द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपका वन बेनिफिट करते हैं अदर रिमेन्स न्यूट्रल तो ये आपको याद रखना है कि कमेंसलिज्म में क्या होता है कि वन गेट्स बेनिफिट द अदर रिमेन्स न्यूट्रल और अभी तक हमने पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में देखा कि वन गेट्स प्रॉफिट द अदर गेट्स हार्म लेकिन कमेंसलिज्म में वन गेट्स प्रॉफिट द अदर डू नॉट सफर्स एनी हार्म तो कमेंसलिज्म इज ए लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जिसमें मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज गेन्स बेनिफिट व्हाइल दोज ऑफ द अदर स्पीसीज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म एंड ऑर्चिड ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच एंड ए बार्न कल्स ग्रोइंग ऑन द बेक ऑफ ए व्हेल बेनिफिट व्हाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द व्हेल डिजर्व्स एनी अपेरेंट बेनिफिट है ना तो ये जो ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच है ना तो ऑर्चिड यानी व्हाट ये जो लतरी होते हैं है ना तो ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच इसमें बेसिकली एक को तो पॉजिटिविटी मिल रही है किसको ऑर्चिड को और जो मैंगो है इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना तो वही बात है ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच एंड बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ ए व्हेल बेनिफिट Why neither the mango tree nor the whale drives any apparent benefit, yet apparent loss. The cattle, egret and grazing cattle, sea anemone that has a stinging tentacles and the clownfish that lives among them. तो ये भी example है what is commensalism का है ना तो ये जो आपका sea anemone है that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. Now we have evangelism. तो जब हम बात करते हैं evangelism की क्या है evangelism? Evangelism means an ecological interaction between two species. है ना evangelism की बात कर रहे हैं क्या हो रहा है? One species gets harm, the other remains neutral. है ना तो evangelism में क्या हो रहा है? One species gets harm, the other remains neutral. Commensalism में क्या हो रहा है? One species gains and the other remains neutral. तो ये जो आपका evangelism है, which is opposite of commensalism. It means an ecological interaction between two species, but in this association, one is destroyed or inhabited and other remains unaffected. The example देख सकते हो the bread mold fungi penicillium. ये penicillin produce करता है और कोई पता है penicillin antibiotic substance है which ultimately inhibits the growth of a variety of बैक्टीरिया है ना तो ये जो आपका ब्रेड मोल्ड फंगी पेनिसिलियम है तो ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है ना तो ये जो फंगी है इसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन इसके आसपास जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे है ना रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करेंगे उसको दिक्कत दे सकता है क्योंकि ये जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है वो एंटीबायोटिक सब्सटेंस होता है विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया And a large tree sets or a small plant retarding the growth of a small plant. ये भी बात है एमेंसलिज्म है ना तो लार्ज ट्री सेट्स ऑफ ए स्मॉल प्लांट तो ट्री को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन उसके कारण जो स्मॉल प्लांट्स है उसको नुकसान हो रहा है बिकॉज हीट टेम्परेचर ये सब कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे हैं फॉर द रेसिडेंशियल डेवलपमेंट न्यूट्रलिज्म की बात हमने कर ली न्यूट्रलिज्म का मतलब न्यूट्रलिटी जहाँ पर आपको
ट्रू न्यूट्रलिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रू न्यूट्रलिज्म डेफिनेटली एक्सट्रीमली अनलाइकली है। इसमें आपको नैदर गेन नैदर लूज ये आपको पैटर्न देखने को मिलता है। नाउ वी हैव बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या है ये आपका बायो जियो केमिकल साइकिल? बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है ये? नाम से ही पता चल रहा है कुछ साइकिलिंग प्रोसेस है ये। और इसमें क्या चीज की साइकिलिंग होगी? जाहिर सी बात है बायो जियो केमिकल यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट है वो बेसिकली मूव करते रहते हैं थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। और जब ये न्यूट्रिएंट्स मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन टू अदर फ्रॉम अदर टू द वन, है ना, तो ये जो आपका न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होते रहती है ना, फ्रॉम लैंड टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू लैंड, फ्रॉम लैंड टू एयर, ऐसे करके जो आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है इसका मूवमेंट होते रहता है थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, उसका हम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कहते हैं। और इसी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का नाम आपको और कुछ नहीं बायो जियो केमिकल साइकिल है। तो अगर पूछ लिया जाए बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है, इट इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। क्यों ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग? बिकॉज आपको ही पता है कि जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टीमेटली एबायोटिक कंपोनेंट को ध्यान में रखकर बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जैसा कि मैंने बोला या फिर बायोजियो केमिकल साइकिल्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका गैसियस हो जाता है। गैसियस में क्या होगा याद रखना है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या फिर गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल, इसमें जो रिजर्वायर है वो आपका एटमोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है ना। जैसे आप नाइट्रोजनस साइकिल ले लो, कार्बन साइकिल ले लो, इसका जो आपका रिजर्वेयर है आपको ही पता है एटमोस्फेयर में है 78% आपका नाइट्रोजन है और बेसिकली कार्बन 1% जो आपका मिलता है। तो याद रखना है गैसियस साइकिल में आपका जो रिजर्वेयर है वो एटमोस्फेयर है, एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल। और दूसरा आपका सेडिमेंट्री है बायोजियो केमिकल साइकिल, और सेडिमेंट्री बायोजियो केमिकल साइकिल में जो आपका रिजर्वेयर है वो अर्थ क्रस्ट में लोकेटेड होता है, और एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल। तो ये याद रखना है, गैसियस में तो हो गया, सेडिमेंट्री में आपको क्या याद रखना है, रिजर्वायर इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। और अगर हम बात करें आपके कार्बन साइकिल की, तो कार्बन साइकिल में जो आपका 71% कार्बन है वो आपका डिजोल्व होते हैं ओशियंस में। याद रखना है आपको कार्बन साइकिल के बेसिक की बात कर रहा है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, 71% कार्बन इज फाउंड डिजोल्व इन एशिया। दैट्स वाई आपका जो ओशियन हीटअप हो रहा है वो बड़े तेजी से हो रहा है, और अल्टीमेटली दिस ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। याद रखना है आपको 71% कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व इन द ओशियन एंड एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, और कार्बन साइकिलिंग जो होती है अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। कैसे? क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ओशियन वाटर बॉडीज के द्वारा, एंड अल्टीमेटली फिर वो रेगुलेट करते हैं लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म को, आपको ये पता है ना। तो कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो पता ही होगा आपको डिकम्पोजर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द CO2 पूल। कैसे? जब वो वास्ट मटेरियल को प्रोसेस करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लैंड और ओशियंस को बेसिकली प्रोसेस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। बिल्कुल सही। कैसे? रैपिड डिफोरेस्टेशन करवाकर, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, तो नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है वो कंस्टिट्यूएंट कह सकते हो अमीनो एसिड का, प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल्स का एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स, है ना। तो नाइट्रोजन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ से भी नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट हो सकते हैं प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड मेनी ऑफ द विटामिन। प्लांट कंपीट विथ माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन That is available in the soil. Thus, हम कह सकते हैं नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम।
है ना, तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, और नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम्स आपको ही पता है, ज्वाइंट बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। इन नेचर लाइटनिंग और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये आपको इनफ एनर्जी प्रदान करता है टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखना है, तो याद रखना है ना, लाइटनिंग और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मदद से आपका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 N2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और पावर जनरेटिंग स्टेशन ये भी सोर्सेस हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड से। तो इंडस्ट्रियल कंबशन हो गए, फॉरेस्ट फायर हो गए, ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट हो गए, पावर जनरेटिंग स्टेशन, ये सब भी कहीं ना कहीं सोर्स है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के। कैसे, तो देख सकते हैं स्टेप वन में N2 फिक्सिंग, और फिर उससे आपका नाइट्रोजन बनता है, उसके बाद आपका अमोनिया, फिर अमोनियम आयन और नाइट्रिफिकेशन, और बेसिकली स्टेप थ्री में अमोनिफिकेशन, और स्टेप फोर में डीनाइट्रिफिकेशन। तो देख सकते हो नाइट्रिफिकेशन से आपका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो ये साइकिलिंग चलते रहती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग का क्या मतलब हुआ, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया फिर अमोनियम आयन से बनता है, तभी तो वो जो है प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं किए जाते, अमोनिया बेसिकली उनका नाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है और अल्टीमेटली अमोनिया या फिर अमोनियम आयन्स में कन्वर्ट होते हैं, तब उसे प्लांट्स उसे यूज करती है। और ये आपका हो गया। अब बात करते हैं सल्फर साइकिल की। तो सल्फर साइकिल में क्या होगा, देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ सल्फर इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू नेचर, है ना, और सल्फर अकर्स इन ऑल लिविंग मैटर एज ए कंपोनेंट ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड, और इट इज अबंडेंट इन द सॉइल इन प्रोटीन्स एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंड अप एज सल्फेट्स यूजेबल बाय प्लांट। और देख सकते हो जो सल्फर रिजर्वायर है, याद रखना है आपको सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट। अभी तो हमने बोला कि ये जो आपको बायस ये केमिकल साइकिल है जो टू प्रकार के होते हैं, और गैसियस और सेडिमेंट्री। तो ये जो आपका सल्फर है या सल्फर साइकिल है वो सेडिमेंट्री है, बिकॉज रिजर्व एयर आपका अर्थ क्रस्ट में लोकेटेड है, और ये द अर्थ क्रस्ट मीन द सॉइल। द सल्फर रिजर्व एयर इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट वेयर इट इज लॉग्ड इन ऑर्गेनिक, कैसे, कोल के रूप में और ऑयल या पीट, एंड इन ऑर्गेनिक डिपोजिट जैसे पायराइट रॉक, सल्फर रॉक, इन सब में ये लॉग्ड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट सल्फाइड ऑर्गेनिक सल्फर। एंड कैसे रिलीज होंगे, जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगा, इरोजनल रन ऑफ होंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, है ना, इज कैरीड टू द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन साल्ट सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं जो सल्फर साइकिल है वो मोस्टली सेडिमेंट्री है एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, विच एड्स ए गैसियस कंपोनेंट, है ना। The sulfur cycle is mostly sedimentary except two of its compound hydrogen sulfide and sulfur dioxide which adds a gaseous component. And फिर याद देख लो sulfur dioxide या sulfur enters the atmosphere from several sources. याद रखना है इसको, sulfur जो है आपको atmosphere में कैसे कैसे enter करते हैं, sources क्या है, volcanic eruption, combustion of fossil fuels, from the surface of the ocean and gases released by the decomposition. तो oceans ये जो सरफेस है उससे भी आपका सल्फर कंट्रीब्यूट होता है एटमॉस्फेयर में, वोल्केनिक इरप्शंस हो, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो, ये सब से भी होती है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की। तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो फॉस्फोरस इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। एंड आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस भी आपका क्या है, क्या है, सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है ना। सेडिमेंट यानी कि सोर्स ऑफ द फॉस्फोरस लाइज इन द अर्थ क्रस्ट, ये हमने बोला आपको, है ना, जैसे फॉस्फोरिक रॉक्स हो सकते हैं, फॉस्फेट रॉक्स हो सकते हैं। सो फॉस्फोरस इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियोइक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। मेनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट्स टू मेक सेल्स, बोन्स, टीथ। और जो नेचुरल रिजर्वायर है फॉस्फोरस का वो आपका मैंने बताया रॉक है, विच कंटेन्स फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। एंड व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड
माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट्स डिजोल्व होते हैं सॉइल सॉल्यूशन में एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस सेडिमेंट फ्रॉम प्लांट द वास्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिज्म वो डिकम्पोज होते हैं बाय द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड रिलीजिंग फॉस्फोरस. और फिर देख सकते हो अनलेस कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इन टू द एटमोसफेयर. तो अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज, क्योंकि आपको ही पता है ना रेस्पायरेशन जब किया जाता है तो फॉस्फोरस थोड़ी ना कार्बन रिलीज होते हैं, या फिर इंसान या मेवल जब करेंगे तो ऑक्सीजन एज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रेस्पिरेशन के रूप में रिलीज होते हैं. तो ये बात हो गई. अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्या है ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन सिंपली अगर हम कहें कि किसी भी इकोलॉजी या इकोसिस्टम का जब सक्सेशन होता है, या फिर यूं कह सकते हो ऑलरेडी अवेलेबल इकोसिस्टम उसको सक्सीड कर लिया जाता है दूसरे स्पीसीज के द्वारा, है ना, या फिर कोई ऑक्यूपाइड स्पीसीज नहीं थी, वो आपका जो इकोसिस्टम था प्लेन था पूरा न्यू था, और अल्टीमेटली वो जब ऑक्यूपाई किया जाता है सक्सीड किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो हम कहेंगे उसे प्राइमरी सक्सेशन. जब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इकोसिस्टम था बिकॉज ऑफ सम फैक्टर वो डिस्ट्रक्ट हो गया और फिर से रीजनरेशन हो गया, फिर से रीऑक्यूपेशन हो गया, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन भी कहते हैं. तो द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना. तो जो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. और ये याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए पायोनियर कम्युनिटी किसे कहते हैं, तो पायोनियर कम्युनिटी उसे कहेंगे द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी. क्यों फर्स्ट प्लांट? बिकॉज पहले प्लांट आएंगे तभी तो एनिमल आएंगी, है ना. तो ये याद रखना है, जब हम पायोनियर कम्युनिटी की बात करते हैं तो द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी. द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना, याद रखना है. पायोनियर कम्युनिटी द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं. क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, है ना, रिमेनिंग रिलेटिवली अनचेंज्ड अंटिल डिस्ट्रॉयड बाय एन इवेंट सच एज फायर और ह्यूमन इंटरफेस. एंड दिस इज ए कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट. एंड जो इंटायर सिक्वेंस है कम्युनिटीज का, है ना, फ्रॉम वही बोला इंटायर सिक्वेंस ऑफ यानी कि फ्रॉम पायोनियर कम्युनिटी टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो ये जो आपका सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी जो डेवलप होते हैं फ्रॉम पायोनियर टू क्लाइमेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, सीरी कहते हैं या सेरल स्टेजेस कहते हैं ना. द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन ए गिवन एरिया आर कॉल्ड सीरी. अब हम बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की. तो प्राइमरी सक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या मतलब होता है प्राइमरी सक्सेशन का? तो प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस एन ओवर वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली. मैंने बोला आपको प्राइमरी सक्सेशन यानी कि वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली, और वहां पर बेसिकली प्लांट का टेक ओवर हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा. तो जैसे लावा फ्लोज, ग्लेशियल मोराइन, सैंड ड्यून्स, इमर्जिंग वोल्केनिक आइलैंड्स, यहां पर अगर प्लांट्स आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन है. सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा? बिगिंस इन एरियाज वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड सच एज इन अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न डाउन कट फॉरेस्ट, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, ये सब है. और क्या याद रखना है आपको, सिंस सम ऑफ द सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन यहां पर आपको फास्टर होगा देन द प्राइमरी. और क्या नोट करना है आपको, At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances, fire या deforestation, can convert a sterile stage of succession to an earlier stage. Also, such disturbances creates new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. तो ये देख सकते हो, at any time ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस कैन कन्वर्ट ए पार्टिकुलर सेरल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्ली, यस, याद रखना है ना. तो याद रखना है यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सक्सेशन था, कोई इकोसिस्टम था,
जहां पर लेट से की सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा था वहां पर नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टरबेंसेस आ गए, अल्टीमेटली फायर लग गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, तो वो फिर से उसको अर्लियर स्टेज में लेके जाया जा सकता है ना, तो ये याद रखना। ऑल्सो सच डिस्टरबेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीसीज एज वेल। अब आते हैं सक्सेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता होने चाहिए सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रेज और जेरेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि हाइड्रेज नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रा, हाइड्रा यानी कि रिच इन वाटर, इसका मतलब हाइड्रेज सक्सेशन वहां होती है जहां वेटर एरियाज होता है एंड जो सक्सेशनल सीरीज है वो प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशंस है ना, जबकि एज अगेंस्ट दिस ये जो आपका जेरेज सक्सेशन है टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेराइक टू मेसाइक कंडीशंस है ना। और यहां पर ध्यान रखना है बोथ हाइड्राज एंड जेराज सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन। जब बात करते हैं मीडियम वाटर कंडीशन यानी कि मेसिक, यानी कि नेदर टू ड्राई नॉट टू वेट, तो नेदर टू ड्राई यानी कि जेरिक हो गई और नॉट टू वेट यानी कि हाइड्रिक हो गई, तो ये आपका मेसिक हो गया है ना। यानी कि आपको पता चल गई होंगी सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रेज और जेरेज रेस्पेक्टिवली, और हाइड्रेज सक्सेशन टेक्स प्लेस इन व्हाट वेटर एरिया एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन। और एज अगेन दिस ये जो आपका जेरेक्शन सक्सेशन है टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेराइक टू मेसिक कंडीशन। तो ये बातें हमने कर ली, अब हम बात करते हैं ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन की, रट लेना, व्हेन द सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, तो हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन है ना। तो सक्सेशन व्हेन इट इज ब्रॉट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, तो हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। व्हाइल चेंज ब्राउट बाय आउटसाइड फोर्सेस तब हम कहते हैं एलोजेनिक। तो क्या रखना है आपको याद, एलोजेनिक चेंजेस ब्राउट बाय आउटसाइड फोर्सेस, ऑटोजेनिक चेंजेस ब्राउट बाय इनसाइड फोर्सेस दैट इज लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी। और ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, एलोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय ये बायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि आउटसाइड हो सकता है आग लग गई, फ्लड हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया, तो जो चेंजेस आ सकते हैं तो हम कहेंगे उसे एलोजेनिक। नाउ वी हैव ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या हो गया, सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, एंड द वन इन विच हेटरोट्रॉफ्स आर इन ग्रेटर क्वांटिटी उसको हमने कह दिया हेटरोट्रॉपिक है ना। तो हेटरोट्रॉपिक का मतलब ही होता है हेटरोट्रॉफ यानी कि सिंपली कंज्यूमर्स, और ऑटोट्रॉफ का मतलब है प्रोड्यूसर। तो सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, एंड द वन इन विच द हेटरोट्रॉफ आर ग्रेटर इन क्वांटिटी उसको हम हेटरोट्रॉफ सक्सेशन कहते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में बेसिक जो सीरीज है इकोसिस्टम इकोलॉजी, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसके दो टाइप्स हमने देखे, सेडेंटरी गैसियस, सेडेंटरी में हमने देखा कार्बन साइकिल, सेडेंटरी में हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल, और बेसिकली गैसियस में हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, और सेडेंटरी में हमने देखा आपका फॉस्फोरस साइकिल, और बेसिकली तो ये हमने ये सीरीज को कवर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम के जो टाइप्स है उसके बारे में जानेंगे, और क्या होता है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।